सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप में ये प्रॉब्लम हो रही है, लैपटॉप में स्पीकर जो है क्रैकलिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। ओके, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो नीचे साउंड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इसको एरो के ऊपर क्लिक कर एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर स्पीकर के ड्राइवर्स को जो है आपको अपडेट कर देना है। राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ड्राइवर जो है इसके अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। फिर आप जो है सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। विंडोज की प्रेस कर देना है, आपको आई प्रेस कर देना है, शॉर्टकट की से सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद अदर ट्रबल शूटर के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेइंग ऑडियो, तो आप जो है यहाँ पर इसको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जो है सेटिंग जो है क्लोज कीजिए। एक बार PC या लैपटॉप जो है रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से जो है आप इजीली प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।